नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जम्मू कश्मीर फाइनेंस अकाउंट का जो एग्जाम है। ठीक है, जो लास्ट वाला लेक्चर था, जो लेक्चर बता देता हूँ कौन सा वाला, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, दिस वाज द लास्ट लेक्चर। ठीक है, लास्ट 40 डेज स्ट्रेटजी वाला, इसी का ये पार्ट टू वीडियो है। ठीक है, ये 10 10 बजे जो है ये पहले प्रीमियर पे आएगी, उसके बाद ये वाली वीडियो आएगी। ठीक है, जीके विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर की भी जो मैं बात कर रहा था, ठीक है, उस वीडियो में जो मैंने बोला है, तो ये वाली है 10 दिन पहले अपलोड हुई है ये वीडियो, जीके विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। इसमें से पेपर में भी क्वेश्चन आए पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, पंचायत अकाउंट नहीं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में। तो ये पढ़नी इंपॉर्टेंट, ये वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ जो है वो हमने अपलोड कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप पे किया है लेकिन फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो हम डिस्कस क्या कर रहे थे, हम उसी टॉपिक पे चलते हैं, उसी मुद्दे पे, कि हम इस वीडियो में जो दिस इज द पार्ट टू ऑफ द वीडियो, फर्स्ट वाली में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम उसी पे चलते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम में, दिस इज द पार्ट टू ऑफ द वीडियो। पार्ट वन में हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं, इंग्लिश के लिए देख चुके हैं, हम जीके विद रिस्पेक्ट टू जे एंड के देख चुके हैं। इसका लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, एक वो देखना है, और पीडीएफ इसकी जो है लेक्चर की वो आपको मिल जाएगी, वो मैंने बता दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आपने ऐप आप डाउनलोड करनी है, ऐप पे जाओ, वहां पे फ्री पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है, वहां पे आपको अपडेट मिलता रहता है। ठीक है, जनरल साइंस का डिस्कस कर रहे थे तो डायरेक्टली हम शिफ्ट करते हैं, क्योंकि बाकी में वापस वो डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 40-50 मिनट का लेक्चर वो हो चुका है वो। ठीक है, चलिए साइंस पे हम डिस्कस कर रहे थे उसी पे चलते हैं डायरेक्टली, उसके बाद हम जीके डिस्कस करते हैं। जे एंड के कर दिया, दूसरा वाला जीके करेंगे हम। ठीक है, तो मैंने इसमें डिस्कस किया था कि फाइनेंस अकाउंट सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आपके, ठीक है, इसमें एक तो मैंने बोला कि वेरी सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ लीजिए, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी होती है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी होती है, और इनको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी भी बोलते हैं, और विद एग्जाम्पल जो जैसे बायोमास लिखा है, उन्होंने विंड एनर्जी लिखा है, सोलर एनर्जी लिखा है, टाइडल एनर्जी लिखा है, तो इनके स्पेसिफिक चार एनर्जी लिखी है, तो इन चार के बारे में स्पेसिफिक पढ़ना है, बाकी एग्जाम्पल देखनी है कि नॉन कन्वेंशनल कौन सा होता है और कन्वेंशनल कौन सा होता है, साथ में रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल फर्क क्या है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं बोल रहा था कि जैसे रेस्ट, मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तीन ही लॉ है, तीन लॉ आपने पढ़ लेनी है। एक न्यूटन की किताब आई है 1915 में, ठीक है, तो कौन सी किताब आई कमेंट बॉक्स में बता देना, 1910 में आई है, 1915 में आई है। ठीक है, तो वो वाली बुक आपको ये पूछ सकते हैं कि आइंस्टाइन की कौन सी किताब थी, तो वो थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सिर्फ किताब का नाम याद करना आपने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, और एक आपने याद करना है इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से न्यूटन लॉ, तीन लॉ तो सबने याद किए होंगे, लेकिन जो आप आउट ऑफ सिलेबस बोलते हो तो आउट ऑफ सिलेबस को मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, पहले से एक तो आपने याद करना कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम क्या है और कब दी थी, ये याद करना है। दूसरा आपने याद करना है न्यूटन का, मैं भूल गया क्या था, अभी याद रखा, दोबारा से डिस्कस किया मैंने। हाँ, जो इन्होंने ग्रेविटेशन कांस्टेंट वाला जी इक्वल टू M1 M2 वगैरह, ठीक है, वो वाला फार्मूला याद कर देना आपने, ग्रेविटेशनल वाला, ये ग्रेविटेशन वाला फार्मूला जो आता है। ठीक है, एक बार मैं देख भी लेता हूँ आपको, क्योंकि इजिली हो जाएगा आपके लिए, अगर मेरे को अभी इधर यहाँ मिल जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, GRAVITA। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जस्ट 1 मिनट, ये आ गया। ठीक है, एफ इक्वल टू GM1m2/r2। ठीक है, ये वाला फार्मूला जो है, जस्ट 1 मिनट, ये खुल क्या गया, चलो तो कोई भी खोल देते हैं, हम ये वाला खोल देते हैं। ठीक है, ये छोड़िए, हम देखते हैं कोई वेबसाइट। हाँ, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकते हैं ये जी वाला। ठीक है, तो ये एक देख लेना आपने, जो आप बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस वाली मैं पहली चीज बता रहा हूँ कि कौन सा फार्मूला आपने याद करना है। ठीक है, ये फार्मूला आपके पास है G1 GM1 M2/r2। ठीक है, जी की वैल्यू क्या दी गई है, ये सारा आपने याद करना है आपने। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ठीक है, जी इक्वल टू, इसको बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आपको कोई नहीं बताएगा भाई। ठीक है, जी इक्वल टू M2 by R square। ठीक है, तो ये बाकी देख लेना, G का मतलब क्या है यहाँ पे,
एम वन का मतलब हो गया मास वन, मास टू, ई के बीच में रेडियस, लेकिन जी की जो वैल्यू है ग्रेविटी की, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड कुछ ऐसी वैल्यू होती है, तो वो भी याद करना आपके ग्रेविटी की वैल्यू क्या है आपकी, ठीक है, और जी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, वो चीजें देखनी है आपने। सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बोल रहा हूँ मैं, पूरी थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और एक में इसमें ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, थ्योरी ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, NERTIA, इनर्शिया, न्यूटन के तीन लॉ है ना, उसमें से तीनों लॉ में से लॉ ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो देखना आपने, इंपॉर्टेंट है। अभी क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे लॉजिक है, पढ़ के जाना आप, जब एग्जाम में आएगा फिर आपको पता चलेगा क्यों बोल रहा था मैं, ठीक है। चलिए आगे, आगे क्या चलना है, इसमें सिलेबस में चलते हैं, तो ठीक है, इसमें से हमने दो चीजें और डिकोड कर दी कि ये जो आपकी लाइन लिखी है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन कांस्टेंट वाला देखना है, दूसरा आपने देखना है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बुक जो है, ठीक, किसने दी है, कब दी है इसने, ठीक है, तो ये देखनी है आपने। तो एनस्टाइन को फादर क्यों बोला जाता है, किसके लिए बोला जाता है, ठीक है, एक लिगो, LIGO, लिगो करके एक रिसेंट में करंट अफेयर में एक ग्रेविटेशनल वेव के लिए, ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, लिगो बोलते हैं उसको, तो ये भी आपने देख लेना कि ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए, और ये कब थीरी आई है ये भी देख लेनी है आपने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ गया वोल्टेज। बाकी मैंने बोला था कि इनके ऐसे यूनिट पढ़ने हैं आपने, SI यूनिट, किसकी, इसके जो सिलेबस में मेंशन किया भाई, पावर का, वाट, ठीक है, हॉर्स पावर होती है 746 करके सही से, 1 हॉर्स पावर की वैल्यू इधर होती है, ये आप देख लेना कितनी होती है इसकी, 176 थी शायद से, या 746 या कुछ है ऐसी कुछ वैल्यू है, ठीक है, वो आपने देख लेनी है कि 1 हॉर्स पावर कितनी होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस का ओम, करंट का जो है वो एम्पेयर, ठीक है, वोल्टेज का जो है, वोल्टेज का क्या था, वोल्टेज का कोई भी है, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का जो है वो HERTZ होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, अब डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का, इसका मीटर ही होगा, ठीक है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है, ठीक है, डायरेक्शन का फर्क होता है, तो वो देख लेना आपने। साथ में एक और चीज देख लेनी है, एक होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव कौन सा, वेक्टर, वेक्टर वाली और स्केलर वाली, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी और कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, तो वो देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक टेंजोर क्वांटिटी भी होती है, टेंजोर, ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर कौन सी होती है, टेंजोर कौन सी होती है, इसकी क्या देख लेनी है आपने, वो देख लेनी है, एग्जाम्पल देख लेनी है, ठीक है। 20 नंबर ऐसे थोड़ी लिए जाएंगे, कुछ आउट ऑफ बॉक्स भी चीजें देखनी है ना, वो वैसे लिए जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ गया वेव का, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया पूरा वेव के बारे में। अब हाइजन प्रिंसिपल भी आता है, एक वो भी आता है हाइजन प्रिंसिपल, HYGEN, हाइजन प्रिंसिपल, एक बार प्रिंसिपल को सिर्फ देख लेना, जैसे मैंने फार्मूला बताया उसी तरह से हाइजन प्रिंसिपल, हाइजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल देख लेना है, वो वाला आपने देखना ही है। एक और क्वेश्चन आता है जैसे साउंड वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो ये आपने देखना है कि वेव जो है लाइट, लाइट ट्रांसवर्स होती है या लॉन्गिट्यूड होती है, साउंड जो है वो ट्रांसवर्स होता है या लॉन्गिट्यूड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक आपने वो टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला, टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला, जैसे लाइट पास कर रही है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, ये नॉर्मल बन रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर रेयर टू डेंसर मीडियम वाला, तो वो सारा सिस्टम जो है वो एक पढ़ लेना आपने, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसकी अपनी एप्लीकेशन भी पढ़ लेनी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे पहुंचे थे, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने पूरा बता दिया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एटम, लेट अस कंसीडर ये कोई एटम है, इसमें एलिमेंट तो पढ़ना ही आपने, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने देखना ना, एक फार्मूला बता रहा हूँ वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया पॉजिटिव, ये अगर अगर एटम का एक वो ले, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, तो ये भी पता होना चाहिए स्मॉल यूनिट ऑफ एलिमेंट क्या है, ठीक है। जैसे इसमें क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए, ये समझाना इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, और ये आ गया प्रोटॉन,
इसका पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, और ये आ गया न्यूक्लियस, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। ये आ गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम सिंपल, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन जो बनेगा वो ऐसे बनेगा कि हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। उसके लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूं, एक ईंट होती है ना, ईंट जिससे दीवार बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल जिस ईंट, ईंट से ऊपर ईंट करके दीवार बनती है ना, एक मकान बनता है पूरा ईंट से बनता है ना, तो आपने याद करना है उसके फार्मूला एक बता रहा हूं मैं, ईंट से आपको ये पूरे पर्सनालिटी याद हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, ईंट हिंदी में लिख लेता हूं, ठीक है, ईंट जो भी है, ईंट प पर ऊपर नाच, नो आचो नाच, ठीक है। इंग्लिश में लिख रहा हूं, ईंट पी आर पर एन ए सी एच, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखा ईंट पर नाच, मतलब आप ही नाचो ईंट, ईंट पर नाचो, कैसे नाचोगे। अब मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को याद करने के लिए, कल को वो पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, तो ये एक चीज और याद करनी है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिटल में, रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिटल में। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम इंजीनियरिंग के टाइम में, उस टाइम में ये काफी डिटेल में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसीलिए इसको थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन अगर आ जाए एक ही लेक्चर में आप देख रहे हो, वो भी स्ट्रेटजी वाला, उसी में से अगर क्वेश्चन निकल जाए, तो मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है ना कि आपका एक एक नंबर बढ़े। ई से आ गया इलेक्ट्रॉन, ईंट पर नाच से याद करना आपने, ई से आ गया इलेक्ट्रॉन, ई से आ गया इलेक्ट्रॉन, ईंट थॉमसन, पी से आ गया प्रोटॉन, प्रोटॉन और ये रुदरफोर्ड मॉडल जो आता है, रुदरफोर्ड मॉडल, नो से आ गया न्यूट्रॉन, चो से आ गया चैडविक, ठीक है। तो ये है ईंट, ईंट मतलब हो गया एक जो एटम का स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसको डिस्कवर किया थॉमसन ने, ठीक है। तो याद हो गया ईंट से इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने डिस्कवर किया है, तो याद हो गया, पर से पी से प्रोटॉन, ठीक है, आर से रुदरफोर्ड, तो याद हो गया, पर से याद हो गया, नाट से एन से न्यूट्रॉन, सी से चैडविक, ठीक है, तो याद हो गया, ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, टो से थॉमसन, पर से पी, पर से आ गया पी से प्रोटॉन, आर से रुदरफोर्ड, ना से आ गया न्यूट्रॉन चैडविक, ठीक है। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन में मुझे डाउट है, एक बार न्यूट्रॉन वाला ना एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि ये मैंने फार्मूला बनाया था 11th में, 11th मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली आप 2011 के आसपास की बात करो, ठीक है, आज 2024 हो रही है, 14 साल हो गए पहले, तब का मुझे ये याद है वैसे करके, ठीक है। तो ये आपने याद करना है, दूसरा आपने एलिमेंट्स देखने हैं, एलिमेंट क्योंकि फाइनेंस अकाउंट में इसका एक क्वेश्चन आया है एलिमेंट के बेसिस पे, तो वो आपने देखना है एलिमेंट। तो एलिमेंट आपकी स्क्रीन पे जैसे ये दिख रहा है, ये आपने सीधा सीधा डाउनलोड करना है, डायरेक्टली देखना है, इसको बनाने नहीं लग जाना, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। सीधा गूगल करना है, वहां से ये पीरियडिक टेबल, पहली बात है कि पीरियडिक टेबल दिया किसने, एक चीज ये देखनी है आपने, पीरियडिक टेबल किसने दिया, एक आता है बोर मॉडल, एक आता है रुदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। आपने सिर्फ देखना है कि बोर मॉडल ने क्या बोला, रुदरफोर्ड मॉडल ने क्या बोला, बस वो चीज देख ली, उस पर एमसीक्यू देख लेना है। दूसरा आपने देखना है कि जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था, हाइड्रोजन लिथियम ये क्या है, सोडियम है, ठीक है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के उनके लिए बोल रहा हूँ, के से मतलब हो गया पोटेशियम, पोटेशियम, साल्ट का फॉर्मूला बता रहा हूँ, कॉमन साल्ट का, ठीक है, साल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, पता चले साल्ट का फॉर्मूला पूछ लिया, ठीक है, कोई पता नहीं है, तो वो भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। साथ में एक चीज और अपने देख लेनी है, एक केमिकल ना, केमिकल के नाम होते हैं नॉर्मल केमिकल के, तो वो आपने पढ़ लेनी है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को दूसरा नाम क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है ना, ये जीके की बुक में दिया होता है, कोई भी बुक जो मैंने आपको लूसेंट बोली या फिर अरिहा की कोई बुक होगी, उसमें केमिकल नाम देख लेना, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, जैसे हैवी वाटर का D2O फार्मूला है, ठीक हैवी वाटर का फार्मूला वो बनाता है। ये जितनी भी ये इनर्ट गैस है, इसमें आपने याद करनी है जिनॉन, ZeNOn जिनॉन, एक ही आ गई, ये आ गया ऑक्सीजन, कार्बन आ गया सी से कार्बन, ठीक है, एन से नाइट्रोजन आ गया, फिर आपने एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम। तो लाइटेस्ट एलिमेंट पूछ सकता है आपको कि लाइटेस्ट एलिमेंट जो है अर्थ पे कौन सा है, वो है हाइड्रोजन। हैवीएस्ट एलिमेंट अगर पूछेंगे तो यूरेनियम आ गया हमारे पास, URANIUM। तो यूरेनियम यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ होगा, ये आ गया 92। ठीक है, 92, 136, एटॉमिक नंबर 136, एटॉमिक नंबर 92 है, मास इसका है 136, तो वो वाला याद कर देना आपने। एक आ गया आपके लेड, पीबी लेड, पीबी लेड, लेड का LEAD, लेड आता है पीबी इस, ठीक है। गोल्ड का देख लेना, एजी गोल्ड, एजी जो है गोल्ड को बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास मरकरी बोला था मैंने, HG, HG देखते हैं कहां पे मरकरी, यहां पे मरकरी, HG, मरकरी मरकरी मरकरी। AU है गोल्ड का फार्मूला शायद से, AU या AG देख लेना आपने, इन दोनों में से कोई गोल्ड का है तो वो देख लेना आपने। कोबाल्ट, CO कोबाल्ट है, CO कॉपर भी आ गया, कोबाल्ट भी आ गया। एक आपने देखना है कॉपर जिंक, ये आ गया कॉपर जिंक और निकल, इसका ना वो बनता है अपना कॉपर निकल और जिंक का, ये अलॉय बनते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा अलॉय होता है कॉपर जिंक को मिला के, तो वो वाला एक देख लेना आपने कि कॉपर जिंक इसका अलॉय कौन सा होता है। ये जो टॉपिक बोल रहे हैं ये गूगल करना आपने, मिल जाएंगे उधर टॉपिक, ये सारे मिल जाएंगे आपको जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए इतना इसमें काफी है, और बाकी मैंने बताया ब्रोमीन का देखना और मरकरी का देखना है कि कौन सा लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड कौन सा होता है, वो वाला चीज देखनी है, ठीक है। इसमें एक और एलिमेंट था मुझे याद आ रहा है, पीबी लेड आ गया 82 पे, फिर हमारे पास आ गया क्लोरीन आ गया 17 पे, तो ये भी पूछा जा सकता है। क्लोरीन जिस फार्मूला है NaCl, ये किसका है, साल्ट का है, साल्ट का है। तो Na हमारे पास, ये अल्कलाई मेटल हमारे पास यहाँ से लिया, ये क्लोरीन 17 यहाँ से लिया, तो ये पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लोरीन किसमें आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बस इतना ही इसमें से काफी है, एलिमेंट के नाम पूछे जा रहे हैं, फाइनेंस अकाउंट में पूछा है तो हो सकता है इसमें भी थोड़ा सा ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर पूछ लें एलिमेंट का तो वो आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी नजर लगा देनी, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हमारे पास आ गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस तरीके से पढ़ना आपने, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सॉलिड लिक्विड गैसेस सिंपल पढ़ लेना आपने, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होती है, गैसेस क्या होती है, एक फोर्थ स्टेट भी आई हुई वो भी देख लेनी है आपने, फोर्थ स्टेट क्या होती है वो भी देख लेनी है आपने, मैटर की फोर्थ स्टेट कौन सी होती है। लाइफ प्रोसेस में हमारे पास न्यूट्रिशन आ गया, टाइप्स आ गई, रेस्पिरेशन आ गई, ट्रांसपोर्टेशन, ये वाला। न्यूट्रिशन में आपने एक तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ना, एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ना, और एक सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक, SAPROPHITIC, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ये इंपॉर्टेंट है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की एग्जाम्पल्स देखनी, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स होती हैं सेप्रोफिटिक की। अदो ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक पूछा नहीं जाता है, सेप्रोट्रॉपिक जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेशन में एक आता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक होता है जिस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनएरोबिक होता है विदाउट ऑक्सीजन। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी रेस्पिरेशन जो है विदाउट ऑक्सीजन होती है। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो हम क्या एरोबिक रेस्पिरेशन ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ले रहे हैं। और ऐसे भी जानवर होते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन भी जीते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन उनमें होती है, तो वो आपने उस तरीके से देखना है। फिर एक टॉपिक इसमें, एक इसमें तीन क्वेश्चन बन सकते हैं तीनों में से, ठीक है, क्योंकि तीन टॉपिक इसमें दिए हुए हैं तो इसमें से तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। एक न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन में एक ना वो ह्यूमन बींग का एक चार्ट देख लेना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ह्यूमन बींग, ठीक है, यहाँ से आया इसका हमारे पास ये बंदा बना, क्या बन गया ये चिड़िया बन गई। तो एक टाइम में हम बनाते थे ये मैप भी, पर भूल ही गया। ये हमारे पास इसोफेगस, ठीक है, ये डायफ्राम जो भी है, इधर से हमारा स्टोकम स्टोमेक आ गया, ठीक है, जो भी है। तो इसमें अपने फूड पाइप जो है इसको इसोफेगस भी बोलते हैं, फूड पाइप को, ठीक है, ESOPHAGUS, ठीक है। इसमें आपने वो देख लेना है जैसे HCL जो है, ठीक है, वो स्टोमेक में क्या होता है, इंसुलिन, पेंसिलिन जो है, पेंसिलिन नहीं, इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में कहाँ बनता है, क्या चीज़ है, वो वाला सिस्टम थोड़ा सा देख लेना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन अगर ये घुमाए तो वो उस डाइजेस्टिव सिस्टम से, वो उस तरीके से अगर पूछ ले तो, ठीक है, वो देख लेना आपने। ऑल दो डाइजेस्टिव सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है तो रहने दीजिए, बट ये आपको पता होना चाहिए।
रेस्पिरेशन वाला आपने वो पढ़ लेना है, एल्वियोलाई वगैरह जो होती है ह्यूमन की रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड मिनरल्स इन द प्लांट्स, इसमें एक तो टिश्यू आता है फ्लोम, एक आता है जाइलोम, ठीक है। ये टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने नीट के टाइम में पढ़ा है मैंने, ये नीट समझ गए ना, जो एमबीबीएस के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। हाँ तो मेरी इंजीनियरिंग हुई है बट बता रहा हूँ कि उस टाइम में हमने देखा था, तो मेरे को याद आ रहा है, जो जो मेरे को याद आ रहा है उसी तरीके से बता रहा हूँ। फ्लोम मतलब फूड, प्लांट्स में फूड की ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं, जो टिश्यू करता है उसको बोलते हैं फ्लोम। जाइलम जो होता है वो होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में। तो यही एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लोम का फंक्शन क्या है और जाइलम का फंक्शन क्या है, और डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, तो ये हिट करना आपने। जाइलम और फ्लोम का क्वेश्चन डायरेक्टली हिट हो सकता है इसी तरीके से कि फ्लोम का फंक्शन क्या है, जाइलम का क्या है। तो मैंने डायरेक्टली बता दिया, इधर लिखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, तो मैंने डायरेक्टली बता दिया फूड जो होगा फ्लोम से होगा, वाटर और मिनरल जो होगा जाइलम से होगा। इतना ही काम है और कोई एमसीक्यू में और कोई काम ही नहीं है। वाइटामिन है तो वाइटामिन में सारी पढ़ लेनी है। वाइटामिन में इसमें सारी वाइटामिन पढ़ लेनी है आपने। वाइटामिन डिजीज कौन सी डेफिशिएंसी, ये आपको पूरा पता है, मैं बार बार नहीं बताने वाला। फेवरेट क्वेश्चन है वाइटामिन के का, ठीक है। और डिजीज जो है जैसे एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं, वो बेरीबेरी डिजीज किससे होती है, वो वगैरह वगैरह, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आपने यहाँ से हिट कर देना। एनवायरमेंटल पोल्यूशन में, पोल्यूशन में एक तो आपने याद करना है इटाइटाई डिजीज होती है, इटाइटाई डिजीज। दूसरी होती है मर्करी से जो डिजीज होती है, ठीक है, मर्करी से होती है मिनीमाटा, इटाइटाई से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। एक होती है नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक से होती है, तो वो देखनी है आपने, कमेंट बॉक्स में बताना कि वो कौन सी होती है डिजीज, ठीक है। तो ये आपके एनवायरमेंटल पोल्यूशन में ही आ जाएगा। एनवायरमेंटल पोल्यूशन में एक और चीज आती है, स्मॉग आता है, ठीक है। तो स्मॉग जो है ये फाइनेंस अकाउंट में पूछा है कि स्मॉग टर्म किसने दी है, ठीक है, इन्वेंट किसने की है, तो वो वाला पेपर में देख लेना कि स्मॉग टर्म जो है वो किसने दी हुई है, और फॉग और स्मॉग में फर्क क्या होता है, ठीक है। और किसमें पढ़ लेना, एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन जो है वो क्या होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन SO2 प्लस NO2 मिला के एसिड रेन होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से आपने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी देख लेना है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है, एनवायरमेंट पोल्यूशन में एक बायो रेमेडिएशन भी देख लेना आपने। बायो रेमेडिएशन क्या होता है, बायो रेमेडिएशन ऑयल स्पिल्स, जैसे एनवायरमेंट पोल्यूशन में वो ऑयल स्पिल भी तो एक पोल्यूशन ही हुआ ना, ऑयल स्पिल्स, ठीक है। ऑयल स्पिल्स में बायो रेमेडिएशन टेक्निक का यूज किया जाता है। दूसरा, इस पोल्यूशन में आप एक चीज और देख सकते हैं, एनवायरमेंट के लेके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया है 1986 में, ठीक है। और एक वो भोपाल गैस ट्रेजडी भी देख लेना आपने, क्योंकि रिलेटेड है ये सारी चीजें। भोपाल गैस ट्रेजडी कब हुई है, 1984 में, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, कौन सा भोपाल गैस ट्रेजडी में वो था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ गया इकोसिस्टम इन फूड चेन फूड वेब, सिंपल है इसमें, इसमें अब मैं क्या बताऊँ आपको, इसमें बताने लग जाऊंगा, सिंपल बात है, फूड चेन क्या होता है और फूड वेब क्या होता है, वो सारी चीजें पढ़नी है। इकोसिस्टम टर्म किसने दी है, ठीक है, इकोलॉजी टर्म किसने दी है, बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दी है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टर्म किसने दी है, वो सारे देख लेनी है, किसने दी है। दूसरी देख लेनी है आपने, फूड चेन जो है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, और फूड वेब जो होता है मल्टी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो एक ट्रॉपिक लेवल भी पढ़ लेना, इसमें ट्रॉपिक लेवल क्या होता है वो देख लेना आपने, ठीक है, सिंपल। अजोन लेयर इट्स डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में आप वो पढ़ के जाएं, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में कैसे पढ़ना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में देख लेता हूँ। अजोन लेयर और डिप्लीशन, एक तो पहले ये देखिए कि अजोन लेयर जो है ये 1985 में डिस्कवर हुई थी अंटार्कटिका में, एंटार्कटिका में। अजोन डे कब मनाया जाता है, अजोन डे कब मनाया जाता है, एक तो ये पता होना चाहिए आपको, अजोन डे कब मनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। अजोन लेयर पाई कहाँ जाती है, वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है अजोन। और एक होता है बैड अजोन, एक होता है गुड अजोन, ठीक है। अजोन का फार्मूला है O3, ठीक है, O3 ऑक्सीजन ऑफ 3 एटम। बैड जोन होती है जो ट्रोपोस्फीयर में आ जाती है, उसको बोलते हैं बैड जोन। गुड जोन हो गया जो स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रोपोस्फीयर में आती है उसको बैड जोन बोलते हैं,
स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है, गुड जो अजूम बोलते हैं, ठीक है। और डिस्कवर किसने की है उसका नाम पता होना चाहिए, सेंथलन करके कुछ नाम है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो आपने देख लेना कि अजून लेयर डिस्कवर किसने की थी, सॉरी अजून होल किसने डिस्कवर किया था, अजून होल किसने डिस्कवर किया था अंटार्कटिका में, ठीक है। ये अंटार्कटिका में अजून होल पाया गया था ना, अजून लेयर तो स्ट्रेटोस्फीयर में ही है ना, तो वो देखना आपने। डिप्लीशन तो चलो मैंने बता दिया, इसके लिए एक दो कन्वेंशन है वो देख लेनी है आपने। एक कन्वेंशन है अजून को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक है ओम, ओम याद करना है, ठीक है। ओम जैसे ये वाला ओम हिंदुइज्म में आता है, ओम, ओम से ओ से अजून, एम से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो याद हो गया आपको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू द अजून, उसकी प्रोटेक्शन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रखी है। इसके साथ साथ में वीना कन्वेंशन देखनी है, वीना कन्वेंशन जो है वो किसके रिलेटेड है, वो भी इसी के रिलेटेड है, वो देख लेना आपने। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है वो देखनी है आपने, ठीक है। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं मेजरली, चार पांच, वो उनके नाम देख लेने, साथ में क्यूटो प्रोटोकॉल देख लेना है कि क्यूटो प्रोटोकॉल किसके रिलेटेड है, KYOTO, क्यूटो प्रोटोकॉल रिलेटेड किसके है, ठीक है। दूसरी बात यह है ग्रीन हाउस इफेक्ट का बेसिक डेफिनेशन देख लेनी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है किसी वजह से होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थ है, ऊपर से रेज आ रही है, तो इंफ्रारेड रेज जो है वो आ रही है, जा रही है, क्या हो रहा है, वो इंफ्रारेड रेज की वजह से सारा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, तो वो डेफिनेशन बेसिक देख लेनी है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ, सॉरी वाटर इन लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर इन लाइफ, तो इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ, ठीक। एक तो हैवी वाटर क्या होता है, हैवी वाटर का फार्मूला क्या है, एक तो ये देख लो, ठीक है, D2O। दूसरा वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ, वाटर जो है जैसे प्योर, इसको बोलते हैं प्योर वाटर जो है वो कितना धरती पे है। अगर पूरी अर्थ के कॉन्टिनेंट में देखें तो स्नो में वाटर कितने क्वांटिटी में मिलता है, ओशियन में कितने क्वांटिटी में मिलता है, पीने वाला पानी जो है, ठीक है, प्योर शुद्ध पानी, वो कहाँ कहाँ मिलता है, वो वाला टॉपिक आपने देख लेना है, एक डाटा, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा अगर आपको नहीं मिलेगा, तो वो इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं हमारे पास पीने वाले पानी की, ओशियन में कितनी है, नॉर्मल स्नो में कितनी है, वगैरह वगैरह में, वो इंपॉर्टेंट है, में कितना पानी है वो वाला इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंस में तो पानी हर जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नहीं पानी के बिना तो कुछ होगा नहीं। दिस इज ऑल अबाउट द स्पेसिफिक, जो जनरल साइंस में 20 नंबर है उसमें भी मैंने डिकोड करके बताया, और इतना डिकोड करके मुझे लगता है कि आपने अभी तक कहीं सुना होगा यूट्यूब पे, JKSSB के रिलेटेड किसी ने बताया होगा, अगर बताया होगा तो वेल एंड गुड, आई विल, क्या मतलब मेरे लिए अच्छी बात है कि किसी ने बताया होगा आपको। चलिए, मेंटल एबिलिटी में सीधे सीधे टॉपिक दिए, सीधे सीधे टॉपिक दिए, सीधे सीधे पढ़ने ज्यादा इसमें कोई वो है ही नहीं कि भाई 10 टॉपिक दिए हैं, 20 नंबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर का मूड किया, स्टार्टिंग के 5 से 20 क्वेश्चन पूछ लिया, एग्जामिनर का मूड हुआ तो लास्ट के 20 क्वेश्चन इधर से पूछ सकते हैं, वो डिपेंड करता है उनने सिलेबस दिया है। उनने ये नहीं बोला है कि भाई 10 टॉपिक हैं तो 10 में से हम ना दो दो क्वेश्चन डालेंगे, हो सकता है वो नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन डाल दे, हो सकता है लेटर सीरीज से 3 क्वेश्चन डाल दिए, डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन डाल दिए, तो ये मिक्स रहता है, ठीक है। तो 20 नंबर मैथ्स वाला जो पोर्शन है, ये वाला मैथ्स और रीजनिंग वाला, ये आपने जितने भी कंपोनेंट हैं इनको आपने ये मान के चलना है कि एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, दो तो मान के चलिए, 10 टॉपिक के 20 नंबर है, दो तो क्वेश्चन आने ही है एक एक टॉपिक से, लेकिन मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं एक टॉपिक से, इसीलिए आपने ये जितने भी टॉपिक है अच्छे से पढ़ने हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड डिस्टेंस टाइम, SDT बोलते हैं इसको, स्टेटमेंट कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, ठीक है, मेंटल रीजनिंग, ये सारे इजी वाले टॉपिक हैं। अगर आपको नहीं आते तो कृपया करके ये कोर्स जो है फाइनेंस अकाउंट का, जो कितने का, 149 का शायद से, 123 का, जितने का मॉक टेस्ट है, कोड लगाना, कूपन कोड आपने INDI है, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली 123 का मिल जाएगा, वैसे 299 का है, डिस्काउंट चल रहा है, कुछ 149 में आया था, ठीक है, 150 में, अब उस पर भी डिस्काउंट है कुछ, इंडिया कूपन कोड लगाना, 123 में आपको पूरा पूरा कोर्स मिल जाएगा, उसमें आपको ये लेक्चर सीरीज सारी मिल जाएगी, जाके चुप करके मजे से लेक्चर देखिए, तो 20 नंबर उधर से कम्प्लीट हो जाएंगे। टेस्ट तो लगाना ही है ना आपने, टेस्ट लगाएंगे तो साथ साथ में वो भी मिल जाएगा, तो वो देख लीजिए, इजी आपको वीडियो लेक्चर भी मिल रहे हैं, ऐसे नॉर्मली वीडियो लेक्चर लोगे 250 300 400 500 में तो मिलेगा आपको, खाली मैथ्स की क्लासेस, रीजनिंग की, ठीक है, तो बेटर है, आपको टेस्ट सीरीज के साथ में मिल रहा है। देखिए सबसे बड़ा पोर्शन है कंप्यूटर एप्लीकेशन, 20 नंबर है, ठीक है। एरिहांत की बुक आती है मार्केट में, एरिहांत की, उसमें से सिलेक्टिव टॉपिक पढ़नी है, पूरी एरिहांत नहीं पढ़नी है उसमें से, क्योंकि 20 नंबर है तो 10 नंबर तो एरिहांत दे जाएगी ना, बाकी आपकी JKSSB के PYQ देखना है, PYQ मतलब हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, JKSSB के
वीएलडब्ल्यू के, फाइनेंस अकाउंट के, पंचायत अकाउंट के, जेके पीएसआई के, ठीक है, स्टॉक असिस्टेंट के, फार्मासिस्ट के, ये पांच छह पेपर के सारे आपने कंप्यूटर के पूरे क्वेश्चन देख लेने, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि एब्रीवेशन बार बार पूछ रही है तो एब्रीवेशन बार बार पढ़नी है, और कोई टॉपिक ट्रेंड में पूछा, जैसे फाइनेंस अकाउंट में कंप्यूटर में आईटी सेक्शन से वो सेक्शन पूछ ली थी, आईटी एक्ट से स्पेसिफिक कि साइबर टेररिज्म के लिए कौन सी सेक्शन लगती है, पढ़ लीजिए आईटी सेक्शन, पूरा एक्ट पढ़ा हुआ है, पढ़ लीजिए ना। और जैसे आधार बेस पे कुछ एप्लीकेशन निकली है गवर्नेंस के लिए, वो अलग से टॉपिक होते हैं, चार पांच क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट भी आ जाए तो, लेकिन आप 20 नंबर 20 के 20 आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आएंगे ना, 15 नंबर तो आएंगे ना जो सिलेबस में मेंशन है, छह टॉपिक मेंशन है टोटल, टोटल छह टॉपिक है, छह में से 20 नंबर बनाने उन्होंने, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से दो क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है, फंडामेंटल इसमें वो पढ़ लो, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वगैरह पढ़ लो, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन कौन सी है, ठीक है, बेसिक इसका पढ़ लो, सीपीयू है, सीपीयू रैम और रोम में क्या अंतर है वो पढ़ लो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल पढ़ लो, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लो, इसमें से ये पढ़ लो, ईमेल और इंटरनेट, स्पैम ईमेल क्या होता है, इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ, क्या चीजें, ये सारी अरिहंत से मिल जाएगा आपको, ठीक है, अरिहंत बुक से मिल जाएगा, और क्या, ये टॉपिक पढ़ने जो दिए हैं बस उसी पे स्पेसिफिक पढ़ना है, उसी के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने जितने दिए हैं, ऑनलाइन जितने हो सकते उतने प्रैक्टिस करिए आप इनके एमसीक्यू, ठीक है। अब आते हैं हम अपना टॉपिक जो है लास्ट वाला टॉपिक 20 नंबर का ये वाला, ठीक है। अब इसमें उन्होंने दिया है, इसमें देखो पहले टॉपिक कितने दिए हैं, पहले वो देखते हैं 20 नंबर में ये टॉपिक कितने दिए हैं उन्होंने, 20 नंबर में उन्होंने टॉपिक दिए हैं अप्रॉक्सीमेटली 23 टॉपिक दिए हैं, ठीक है, 23 टॉपिक्स और 20 नंबर के लिए, इसका मतलब है एक एक लाइन में से एक एक क्वेश्चन आना है और बीच में एक दो स्किप भी होना है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल, जब उन्होंने लिखा है फ्रीडम स्ट्रगल तो गांधीयन की मूवमेंट सारी पढ़ लो, ठीक है, गांधीयन मूवमेंट जितनी भी है वो सारी पढ़ लो, ठीक है, गांधी की मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जलियांवाला बाग मैसेकर पहले हुआ है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर सारा पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजी में दांडी मार्च जिसको साल्ट सत्याग्रह बोलते हैं, सिविल डिसोबीडियंस में बोलते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है, और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारी मूवमेंट है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट में डू और डाई का नारा दिया था गांधी जी ने, इंडिविजुअल सत्याग्रह में तीन बंदे भेजे थे, तीनों के नाम पता होना चाहिए, दांडी मार्च साल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं उसको, उसी टाइम में गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ है और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी हुई है, वो देख लेनी है, बस ये कहानी खत्म हो जाएगी, रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाला देख लेना है, 57 वाला, बस इतना काम तो कर सकते हो आप, ठीक है, नॉर्मली मेजरली, बाकी जो मूवमेंट आती है, होम रूल लीग आ गई, न्यूज़पेपर आ गए इनके, वो चीजें तो देखनी है, गांधी जी के भी और बीजी तिलक के भी। फिर मेनली आता है आपका ये वाला, फर्स्ट इन द वर्ल्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स डिस्कवरी, फर्स्ट इन इंडिया एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड डिस्कवरीज, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस, ठीक है, क्योंकि ये दो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना आपने। अच्छा क्या लिखा है, स्पोर्ट्स लिखा है, नीचे टॉपिक भी लिखा है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, तो मतलब क्या पूछ रहा है ये पर्सनैलिटी के बारे में, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में फर्स्ट स्पोर्ट्स और वर्ल्ड में फर्स्ट स्पोर्ट्स, यहाँ ये करंट वाला स्पोर्ट्स वगैरह पूछ रहा है, तो हमें स्पोर्ट्स की तरफ जाना है। जैसे हम पूछे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, तो मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड जो है वो किसके नाम पे दिया जाता है वो देखना है। फिर इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पोर्ट्स आ गया, तो हॉकी, हॉकी जो है हमारी नेशनल गेम है, आ गया, तो ये हमने देखना कि वर्ल्ड लेवल पे हॉकी सबसे पहले किसने जीती, हॉकी का मैच किसने जीता, ठीक है, क्रिकेट मैच का सबसे पहले किसने जीता, तो स्पोर्ट्स उस तरीके से देखना हमने। डिस्कवरी में बोले जैसे डिस्कवरी और एडवेंचर में देखेंगे, एक चीज हम बोलेंगे डिस्कवरी एडवेंचर में, हम बोले माउंट एवरेस्ट, कोई गया बंदा माउंट एवरेस्ट पे, वर्ल्ड का पहला नंबर कौन गया, इंडिया का कौन गया, दोनों खत्म हो गए, एडवेंचर और डिस्कवरी खत्म हुई, माउंट एवरेस्ट इंडिया का पहला बंदा कौन गया, जब मतलब वुमेन कौन गई है, और फर्स्ट इन द वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट पे कौन गया, एक एग्जांपल देके चल रहा हूँ वैसे ही चलना है, ठीक है। फिर फर्स्ट इन इंडिया में जैसे फर्स्ट इन इंडिया में जैसे पूछ सकता है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, समझ रहे हो आप, तो उस तरीके से देखना है। फिर देखना है जैसे फर्स्ट इन द वर्ल्ड डिस्कवरी में, डिस्कवरी में देखना है आपने, तो डिस्कवरी में जैसे क्वेश्चन पूछा पेंसिलिन किसने डिस्कवर की, ठीक है, क्वेश्चन आएंगे ये जो अभी बोल रहा हूँ, पेंसिलिन किसने डिस्कवर की,
रेडियो किसने इन्वेंशन किया, एक्सरे किसने डिस्कवर किया, आ गया फर्स्ट टाइम, बल्ब किसने याद किया, आया क्वेश्चन इसमें फाइनेंस अकाउंट में, बल्ब किसने पहली बार याद किया, इन्वेंट किया, ये डिस्कवरी तो है, तो ये आ गया फर्स्ट इन द वर्ल्ड में क्या हुआ, पेंसिलिन किसने डिस्कवर किया, रेडियो किसने किया, एक्सरे किसने किया, बल्ब किसने किया, ये आ गया वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया लेवल पे भी इसी तरह से देखना है, इंडिया लेवल पे देखना है तो फर्स्ट इन इंडिया में मतलब हो गया, जैसे हमारा इसरो है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो, डिस्कवरी है ना, ठीक है, तो वो देखना है आपने फर्स्ट इन इंडिया में। और क्या देखना है आपने फर्स्ट इन इंडिया में, वो देखना है डिस्कवरी में, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो, और इसमें हमने देखना है मेन, हमने देखना है इसमें इसरो में हमारे पास टॉपिक याद आ रहा था मेरे को, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया डिस्कवरी में, स्पोर्ट्स में, एडवेंचर में, स्पोर्ट्स में, एडवेंचर में, माउंट एवरेस्ट वाला देख लेना आपने, दोनों में देखना है, फर्स्ट इन इंडिया में, तो फर्स्ट इन इंडिया में वो भी देख लेना, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कौन, वाइस प्रेसिडेंट कौन रहा है, ठीक है, वो वाली लाइन देख लेनी है, जीके में दी होती है ये ना, हाथ वाला या फिर में, ये दोनों टॉपिक दिए होते हैं, उसमें से देखनी होती है आपने, ठीक है। हाँ, एक याद है मेरे को, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, ये अगर अर्थ का स्ट्रक्चर देखें, नॉर्थ पोल पे सबसे पहले कौन गया, अर्थ पोल पे कौन से गया, मून पे सबसे पहले कौन गया, ये इंपॉर्टेंट है, मून पे सबसे पहले कौन गया, ठीक है, इंडिया का अगर कोई याद नहीं गया, चंद्रयान मिशन अभी लॉन्च किया ना हमने, ये ना रिसेंट करंट वाला है, तो हमने देखना है मून पे सबसे पहले कौन गया वर्ल्ड लेवल, ठीक है, उसके बाद नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे कौन सा गया, ये साउथ पोल पे कौन गया, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया का जैसे विक्रम साराभाई, ये इंपॉर्टेंट है विक्रम साराभाई, और एक मुझे ना किसी भी याद आ रहा है मेरे को इसरो पे, अब जल्दी जितने जल्दी स्किप हो गए माइंड से, देखो याद करने दो एक मिनट, तो मैं पानी पी लेता हूँ, फर्स्ट इन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर देख लिया हमने, प्रेसिडेंट देख लिया, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी देख लिया हमने, डिस्कवरी में हमने फर्स्ट डिस्कवरी किसने की, हाँ डिस्कवरी में वो हमारे पास सीवी रमन है, ठीक है, सीवी रमन ने रमन इफेक्ट दिया था, ठीक है, तो ये भी एक डिस्कवरी का पर्सनैलिटी भी आ गई ना, एक पर्सनैलिटी में भी आ गया ना, एक आपने टॉपिक पर्सनैलिटी अलग से भी दिया था कहीं, उसमें एक गांधी जी भी एक पर्सनैलिटी है, वो भी याद रखना, ये ना पर्सनैलिटी में वो भी आएगा, पर्सनैलिटी में और सीवी रमन आ गए, उनका इफेक्ट आ गया, और साइंस में मेरे को इससे याद आ गया, साइंस में ना एक वो टॉपिक पढ़ लेना, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ठीक है, एक टॉपिक ये है, दूसरा है कि वाई सन जो है रेड एट सनराइज एंड सनसेट पे, वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, और चौथा क्वेश्चन आपका आ गया जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, एस्ट्रोनॉट, ठीक है, जब वो आसमान में जाते हैं उनको कौन सा कलर दिखाई देता है स्काई में, तो उनको ब्लैक दिखाई देता है, ब्लू नहीं दिखता है, ठीक है, तो ये चार पांच क्वेश्चन साइंस में इस तरीके से ये भी कवर कर देने, तो मुझे अभी याद आया, तो डिस्कवरी में और कुछ होगा, चलो मैं एक मिनट बाद मेजरली जो मुझे याद आया अभी तक, तो ये चीजें आपने कवर कर देनी है, क्योंकि लेक्चर जो लेक्चर वन वाला था उसमें हमारा वीडियो लाइट चली गई थी, तो लेक्चर बंद हो गया था, उस टाइम मैंने याद किया था, लिखा नहीं था मैंने कहीं भी, अब मुझे जो याद आया तो मैं आगे लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है, तो अभी तक ये करना आपने इस तरीके से, पॉपुलर पर्सनैलिटी में आपने सेम चीजें यहाँ पे जो मैं बोल रहा था ये वाली कवर हो रही है ना, ये वाली भी, पॉपुलर पर्सनैलिटी में जैसे पॉलिटिक्स है, साइंटिफिक डिस्कवरीज है, और ज्योग्राफिकल आ गया, स्पोर्ट्स आ गया, हिस्ट्री आ गया, तो हिस्ट्री में आपने याद करना है वास्को डी गामा ने, वास्को डी गामा इंडिया आए थे ना, रूट डिस्कवर किया था उन्होंने, तो वो आपने याद करना है कि इंडिया में कब आए थे, 1498 में कैप ऑफ कोमीरन में, ठीक है, जो कि केरला में है, वो याद करना है। साइंटिफिक डिस्कवरी मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, डिस्कवरी सेल की, डिस्कवरी किसने की, वाज द फादर ऑफ द सेल, सेल बायोलॉजिकल सेल, एक्सरे, ठीक है, रोंटजेन कुछ करके, और एक आ गया इलेक्ट्रिक बल्ब आ गया, पेंसिलिन आ गया, ठीक है, ज्योग्राफिकल में, ज्योग्राफिकल में वास्को डी गामा ने कब इंडिया को खोज की थी, ठीक है, स्पोर्ट्स में विच इज द स्पोर्ट्स में, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में मैंने एक स्पोर्ट्स का लेक्चर लिया, वो वाला स्पोर्ट्स का लेक्चर देख लेना, स्पोर्ट्स वाली सारी चीजें उधर कवर हो जाएंगी, ठीक है, स्पोर्ट्स वाली उधर देख लेना, क्योंकि उसमें करंट अभी अपडेट किया, वो लेक्चर आया हुआ स्पोर्ट्स वाला, ठीक है, वो वाला कवर कर देना आपने। नेक्स्ट आपका आ गया ये वाला न्यूज़पेपर ऑफ द वर्ल्ड, न्यूज़पेपर ऑफ द न्यूज़पेपर करंट डेली एंड वीकली,
या आपने ये ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री में, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में लूसेंट में देख लेना आपने किस किसने कौन कौन सा न्यूज़पेपर लिखा। साथ में आपने एक चीज याद रखनी कि जब ब्रिटिश आई थी इंडिया में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एज ईस्ट इंडिया कंपनी, तो प्रेस इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई, प्रेस किसने इंट्रोड्यूस की इंडिया में, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है इसके बैकग्राउंड में न्यूज़पेपर पे, प्रेस इंट्रोड्यूस इंडिया में किसने की। दूसरी बात यह है कि कौन सा न्यूज़पेपर फर्स्ट था इंग्लिश वाला, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया का कौन सा था, बंगाल गेजेट था आई थिंक सो, बंगाल गेजेट। और हु वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस इन इंडिया, प्रेस किसने इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में, वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा, मॉडर्न हिस्ट्री में न्यूज़पेपर बहुत सारे पढ़ने हैं लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है कि प्रेस वाला पूछ लें, या फिर फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था इंडिया का, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और क्या याद आ रहा है मेरे को न्यूज़पेपर से, हाँ तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था, वर्नाकुलर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, प्रेस एक्ट लाया था, वो लाया था उन्होंने लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड लिटन, ठीक है। तो ये आपने याद करना है कि ये कब लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक्चुअल में था कि जो नॉर्मल जो इंडिया के तब जो न्यूज़पेपर चल रहे थे उनको उनको क्या करना, उनको खत्म करना एक्चुअल में, तो ब्रिटिश ने उस टाइम में स्टार्ट किया था, वो वाला इंपॉर्टेंट है वो देख लेना आपने। लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स, ठीक है, तो लैंग्वेजेस में आपने क्या करना, ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की जो है कितनी है, पहले 14 थी उसके बाद 22 हुई है, तो 22 देख लेनी लेनी है। उसमें से भी आपने क्या देखना है कि किसमें, 8th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 8th शेड्यूल में, तो ये लक्ष्मीकांत से आपने लैंग्वेजेस वो देख लेनी है। दूसरी लैंग्वेजेस ये देखनी है कि इंडिया में सबसे फर्स्ट नंबर पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बोली जाती है हिंदी, दूसरी बोली जाती है बंगाली, ठीक है, तो इस तरह से देख लेनी है। तीसरी कौन सी बोली जाती है वो वाला देख लेना कि स्पीकिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है इंडिया की, वो वाली देख लेनी है आपने। फिर हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपने 22 की 22 देखनी है, और कौन सी अमेंडमेंट में इसको लाया गया, जैसे डोगरी हो गया, ठीक है ना, ये सारी आपने डोगरी कश्मीरी वगैरह जो है कब लाई। कल्चर में आपने देखना है कि इंडिया का कल्चर देखना है, तो इंडिया के कल्चर में आपने डांस फॉर्म से देखनी है, डांस फॉर्म, डांस, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक में एक खुसरो है, खुसरो जिसको पैरट ऑफ इंडिया भी बोलता है, बोलते हैं, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के टाइम में थे, ठीक है, ही वाज द फाउंडर ऑफ द ख्याल एंड तराना म्यूजिक, ठीक है। तो क्लासिकल म्यूजिक में कौन कौन से मेन पर्सनालिटी रहे हैं, ठीक है, पर्सनालिटी, और किसी की अभी रिसेंटली अगर डेथ हुई तो एमसीक्यू करना है डायरेक्टली कि कोई क्लासिकल म्यूजिक जिसकी कोई डेथ हुई है 2023-24 में, तो वो वाली आपने कवर कर देनी है, क्योंकि वो कभी कभी पूछते हैं कि ये वाला अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चलाता था कोई बंदा, उसकी डेथ हो गई है, तो वो कौन बंदा था, किस प्रोफेशन से था, वो इंपॉर्टेंट है। डांसेस इन इंडिया में जैसे हमारे पास भारतीय नाट्यम जो है वगैरह वगैरह, वो आपने मेन मेन क्लासिकल वो देख लेने आपने। एक आपने इसके साथ में देखना है फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स तो इंडिया में कौन कौन से फेस्टिवल्स मेजरली फेमस है, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ ओनम फेस्टिवल, ठीक है, फिर हमारे पास एक नागालैंड का एक फेस्टिवल है वो देख लेना आपने, फिर जैसे हमारे पास लद्दाख का देखें उसमें लोसर फेस्टिवल है, ठीक है, लद्दाख का फेस्टिवल है, ठीक है, इस तरह से फेस्टिवल एक वो कर लेना आपने, गूगल कर देना, उसमें जो भी इंडिया के फेस्टिवल आएंगे, डांसेस आएंगे, क्लासिकल म्यूजिक आएगी, वो कवर करके खत्म कर देना इसको, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो लिखा है, किसी का क्वेश्चन भी ये था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे करें, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिखी है बस वही पढ़नी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितनी लिखी है उतनी ही पढ़नी है, ठीक है, इसके अलावा कोई भी नहीं पढ़नी है। इसको पढ़ना भी कैसे वो बता देता हूँ मैं, यूएनए का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आईएमएफ का कहाँ है, यूनेस्को का कहाँ है, यूएन का कहाँ है। यूनेस्को में अगर बोले तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, एक तो ये पता होना चाहिए आपको, दूसरी बात है डब्ल्यूटीओ के अभी जिसको बोलते हैं हेड कौन है, ठीक है, डब्ल्यूटीओ के हेड कौन है, आईएमएफ के हेड कौन है, यूनेस्को का हेड नहीं पूछेंगे लेकिन फुल फॉर्म पूछेंगे, और एस्टेब्लिश कब हुई, ठीक है, तो इन सारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या करना है, आपने हेडक्वार्टर देखना है, एस्टेब्लिश कब हुआ है, और अभी इसका हेड कौन है, ये तीन तीन चीजें कर देनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और डब्ल्यूटीओ में आप एक चीज पढ़ सकते हो, इसमें एम्बर, एम्बर सब्सिडी होती है, एम्बर सब्सिडी, वो सब्सिडी, एम्बर सब्सिडी आप पढ़ सकते हैं, एम्बर सब्सिडी किसके रिलेटेड है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, सब्सिडीज वो वाली देख सकते हैं। बाकी आप अगर करंट में अगर देखना है तो आपने रिसेंट वाला देखना है कि आईएमएफ ने किस किस को लोन दिया है, ठीक है,
वो वाला आप देख सकते हैं अगर देखना है तो, आईएमएफ ने, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में बेसिक अंतर क्या है और लोन किस किस को दिया है, मतलब इंडिया में किसी, अगर वर्ल्ड बैंक ने किसी को दिया है जैसे तमिलनाडु को दिया है या इंडिया को दिया है किसी स्पेसिफिक स्कीम के लिए, तो वो देख सकते हो। लेकिन मेजरली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश और वो वाला पूछा जाएगा। तो इसमें सिंपल है, जो दिया है वही पढ़ना है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर बोले तो हमारी 42 हो चुकी है, तो वो याद करनी है, 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, 42nd, वो वाली देख लेनी। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है, तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन आता है कि इंडिया इज मेंबर, इंडिया किसका मेंबर है और किसका नहीं है, ठीक है। तो इंडिया किसका मेंबर है और किसका नहीं है, वो वाला आपको आना चाहिए। तो जितनी दी गई है उतनी पढ़नी है। G20 की समिट इंडिया में 2023 में हुई, इंडिया होस्ट कर रहा था, इसका आपने थीम पढ़ लेना है, ठीक है। और G20 में अभी नेक्स्ट 2024 में कहाँ हो रही है, 2025 में कहाँ होगी, ये चीज देख लेनी है। G20 की इंडिया ने होस्ट की 2023 में, वासुदेव कुटुंबकम फिलासफी रही इनकी, ठीक है, वो देखनी है। अब देखना है इंडिया किस किस का मेंबर है। अब इंडिया किस किस का मेंबर है, तो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस किस का मेंबर है। अभी बता देता हूँ मैं, ब्रिक्स का इंडिया मेंबर है, ओपेक का इंडिया मेंबर नहीं है, आसियान का मेंबर नहीं है, सार का मेंबर है, बिम्स्टेक का मेंबर है, G20 का है, G7 का नहीं है, ठीक है। तो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया किसका मेंबर है या नहीं है। तो इंडिया जिसका मेंबर है मैं उस पर टिक कर रहा हूँ। इतनी ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है, बाकी नहीं फालतू की पढ़नी है, जो दी है वही पढ़नी है, ठीक है। ब्रिक्स, यस, इसका इंडिया मेंबर है, सार का मेंबर है, बिम्स्टेक का है, G20 का है, ओपेक का नहीं है, आशिया का नहीं है, G7 का नहीं है, समझा गई, बस यही है। बाकी जी आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं, ठीक है, कितने मेंबर हैं, कब एस्टेब्लिश किया इसको वो देखना है। ओपेक जो है स्पेसिफिक, इसमें मेंबर कितने हैं और कब एस्टेब्लिश किया ये देखना है। आशियान में कितने मेंबर हैं, सार्क में कितने मेंबर हैं, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान या चाइना, स्पेसिफिक अगर बोलूं मैं, पाकिस्तान और चाइना किस किस का मेंबर है, ब्रिक्स, ओपेक, आशियान, सार्क, बिम्स्टेक, G20, G7, ये वाला देख रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना किसका मेंबर नहीं है, नहीं पे क्वेश्चन ज्यादा आएगा, किसके हैं वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये आपने उस तरीके से पढ़ना है। मेजरली बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्री आती है, ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री आती है, और सार्क में कौन सी कंट्री आती है, G20 में तो मैंने बता दिया कौन सी आती है, G7 में कौन सी आती है, और G4 भी आती है, G4 भी देख लेना आपने, G4 जो है वो कंट्री भी देख लेनी है, G4 में कौन कौन सी आती है। इसके अलावा आपके आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्वेश्चन जो स्पेसिफिक आएगा, एक तो आपने देखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 गोल्स हैं, टारगेट 169 है, इससे पहले जो है ये हमारे पास है 2015 से लेकर 2030 तक, ठीक है, इससे पहले 30 तक, ठीक है, इससे पहले इसको बोलते थे MDG गोल, ये थे 2000 से लेके 2015 तक, ठीक है। और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 के 17 गोल याद कर देने हैं। इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड लेवल पे SDG में, ठीक है, और J&K का क्या रैंक है, ठीक है, वो भी आपने देख लेना है। J&K वाला मैंने ऑलरेडी कवर किया, लेकिन इंडिया का देख लेना कि इंडिया का रैंक क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड में वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, ये ओवरऑल बनता है, बाकी 17 गोल देख लेने हैं आपने। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म जो है ये फर्स्ट टाइम कब यूज की गई थी, उसके लिए आता है ब्रंडलैंड कमीशन, ब्रंडलैंड कमीशन, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये यूज हुई थी ब्रंडलैंड कमीशन में, तो वो याद आ सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म कब यूज हुई है, ठीक है। चलिए, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सीधा पूछा है, तो ये आपने डायरेक्टली देख लेना है कौन कौन सी डिजीज होती हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, एग्जाम्पल देखनी है आपने। कम्युनिकेबल डिजीज की एग्जाम्पल देखनी है कि कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, नॉन कम्युनिकेबल कौन सी होती है। एक BCG, एक वो है ट्यूबरक्लोसिस के लिए टेस्ट होता है, ठीक है, वो भी देख लेना आपने। एक और देखना आपने, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ठीक है, कैंसर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, टाइफॉइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, वो वाला भी देख लेना आपने, ठीक है। तो ये बोले उस तरीके से देख लेना है। NCDC और COVID-19 SOP एडवाइजरी सीधी वेबसाइट पे जाना है, NCD की सरकार की वेबसाइट है, वहां पे जाके NCDC का जो भी डाटा दिया है वो देखना आपने, और COVID-19 की वैक्सीन जो भी ह्यूमन बींग्स के लिए लाई गई है, तो जैसे हमारे पास ये, इसकी ना मैं PDF शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है, COVID-19 की कितनी वैक्सीन है ह्यूमन बींग्स के लिए, तो वो वहां से देख लेना आप डायरेक्टली, ताकि ये क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली वही ह्यूमन बींग्स के लिए, जैसे हमारे पास कोविड शील्ड आ गई, ठीक है, कोवैक्सीन आ गई, फर्स्ट कौन सी आई, सेकंड कौन सी है, RNA वैक्सीन कौन सी है, DNA कौन सी है, तो वो मैं एक पिक्चर आपको सेंड कर दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है, या फिर एक लेक्चर ला लूंगा स्पेसिफिक, तो उसी में देख लेना। वर्ल्ड फेमस अवार्ड मैंने ऑलरेडी लेक्चर कवर किया है, तो उसमें से देख लीजिए, PDF ऑलरेडी शेयर हुई है।
ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्लाइमेट क्रॉप्स इन इंडिया। तो क्रॉप्स में मेजर स्टेट प्रोड्यूसर कौन कौन सी है ये देख लेनी है, मेजर स्टेट प्रोड्यूसर कौन कौन सी है, ठीक है, कौन कौन से प्रोड्यूसर है मेजर स्टेट। अब इसमें क्या पढ़ना है अपने, कॉटन देख लेना है, शुगर देख लेना है, शुगर कैन देख लेना है, राइस देखना है, मेज देखना है, और राइस मेज और एक और आ गई ना व्हीट जूट, ये सारे इंपॉर्टेंट। और एक इंपॉर्टेंट ये है क्रॉस में मिलेट, मिलेट इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल ईयर 2023 इंडिया ने वो किया है, मिलेट्स देख लेना आपने, मिलेट्स, मिलेट की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है राजस्थान में, ठीक है। तो स्टेट प्रोडक्शन वाइज जो कौन कौन सी है वो भी मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर किया, वो देख लेना डाटा, उधर से पढ़ लेना। क्लाइमेट में कॉपन क्लासिफिकेशन देखनी है आपने, कॉपन क्लासिफिकेशन ठीक है गूगल करना है आपने, या एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है तो एनसीईआरटी से डायरेक्टली वो कॉपन क्लासिफिकेशन पढ़ लेना, गूगल कर लो वहां से देख लेना, ठीक है। तो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन वहीं से पढ़ लेनी है, ठीक है। इसमें डिटेल में जाऊंगा तो फिर बाकी लेक्चर थोड़ा लंबा और हो जाएगा। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, तो इसमें कुछ भी नहीं आता है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे अगर अभी रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखे तो आपने क्या करना है, एक तो पोलिटिकल मैप और फिजिकल मैप, ये ऑलरेडी जीके विद रेफरेंस टू जी एंड के वाले लेक्चर में मैंने कवर किया है, वहां पे जाके देख लीजिए तो ईजी हो जाएगा। पोलिटिकल में सिंपल यूटी कितनी इंडिया की, कौन कौन सी यूटी है वो देख लेना है, बाकी इंडिया जैसे ये इंडिया का मैप है, कौन कौन सी बॉर्डर टच कर रहा है, जैसे नेपाल कहाँ से कर रहा है, ये वाला कहाँ टच कर रहा है ये वाला, और ट्रॉपिक कैंसर वगैरह देख लेना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम मिर्जापुर से पास हो रहा है वो देख लेना है, ट्रॉपिक कैंसर 8 स्टेट से पास कर रहा है वो देख लेना है, ठीक है। और जिले के स्पेसिफिक जो है पासिस देख लेने सारे, जैसे जो जिला पास हो गया, बनिहाल पास हो गया, बाकी ये जितने भी पासिस हैं हिमालय में ये सारे देख लेने, पॉलिटिकल में और फिजिकल डिवीजन में वही आते हैं। फिजिकल डिवीजन में और इंपॉर्टेंट रिवर्स आती हैं, तो रिवर्स में क्या करना है आपने, गूगल करना है जितनी भी रिवर्स मैप, रिवर्स ऑफ इंडिया देखना है उसमें, ठीक है। उसमें जो भी मैप में आती है रिवर्स मेजरली आपने देखनी है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी, राइट कौन सी है, और एक यमुना की ट्रिब्यूटरी देख लेनी है, झेलम की ट्रिब्यूटरी देख लेनी है, गंगा की देखनी है, ब्रह्मपुत्र की देखनी है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है वो सारी चीजें देखनी है, ठीक है। तो ये सारी आपका काम रहेगा इसमें, क्योंकि ये दोनों टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे आपके, उस तरीके से करना है। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है तो जाके वो लेक्चर देख लीजिए ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसमें आपका जे एंड के वाला भी कवर हो जाएगा, ये वाला दोनों टॉपिक कवर किए मैंने, ठीक है। करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दो तीन क्वेश्चन आने तो स्किप कर लीजिए, ठीक है, स्किप कर लीजिए, दो तीन क्वेश्चन आने हैं, चार आ जाएंगे, इसको स्किप कर दो फिलहाल के लिए। चलिए आगे आ गया हमारे पास फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो सीधा गूगल करिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इंडिया का क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट रहा है, कौन कौन से कंपोनेंट इसके हैं, वहां से पढ़ लीजिए डायरेक्टली। फॉरेन ट्रेड में फॉरेक्स रिजर्व पढ़ना है आपने, फॉरेक्स रिजर्व जो है इंडिया का अभी कितना है, ठीक है, एज पर द आरबीआई। तो फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है, ठीक है, कौन कौन से एसेट आते हैं वो वाले देख लेने, सिंपल सा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में तो एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आपका प्लानिंग वो महल MAHALNOBIS, महालनोबिस एक प्लानिंग मॉडल आता है, ठीक है, ये सेकेंड ईयर प्लान में आया था, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, तो वो उस तरीके से देख लेना आपने। बाकी इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुई है वो 1992 में हुई है, उस टाइम में कौन प्राइम मिनिस्टर थे, एलपीजी पॉलिसी लाई गई थी, वो वाली सारी चीजें आपने देखनी है। इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, कैपिटल मार्केट, रोल ऑफ आरबीआई, टैक्सेशन इनडायरेक्ट डायरेक्ट, सीजीएसटी, इसमें से टॉपिक जो चार पांच है इसमें से आपने जीएसटी पढ़ लेना है, जीएसटी इंपॉर्टेंट है, जीएसटी कब आया, ठीक है, और कब इंप्लीमेंट हुआ है, 2017 में आया है, और इट इज अ डेस्टिनेशन टैक्स होता है, ठीक है, इसने किस किस को सब्ज्यूम किया, और इसमें कौन कौन सी आती है, जैसे पेट्रोल अगर आता है नहीं आता है, कौन कौन सी आता है वो देखना आपने, और टैक्स स्लैब जो है वो कहाँ रखा गया है, जीएसटी काउंसिल जो है रिसेंटली, जीएसटी काउंसिल किस कौन कौन से मेंबर इसमें होते हैं, कंसिस्ट होते हैं वो देख लेनी है, और जीएसटी काउंसिल की रिसेंट मीटिंग कहाँ हुई वो देख लेनी है, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल पॉलिसी, तो फिजिकल पॉलिसी में एफआरबीएम एक्ट आता है 2003 वाला, ठीक है, तो वो वाले उसकी थोड़ी सी पॉलिसी देख लेनी है, सीधा गूगल करना है एफआरबी एक्ट 2003, उसकी चार पांच पॉलिसी होंगी वो वाले आपने पढ़ लेनी है। फाइनेंस कमीशन बना है एनके सिंह, ठीक है, वो 15 या 16 फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है फिजिकल पॉलिसी पे वो देख लेना है। आरबीआई सीधी आरबीआई की वेबसाइट पे जाना है, आरबीआई की वेबसाइट पे वहां पे आपने मॉनिटरी टूल्स दिए हैं वो टूल्स पढ़ लेने, जैसे रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, वो सारे टूल जो है मॉनिटरी पॉलिसी के होते हैं वो आपने आरबीआई की सीधी सीधी वेबसाइट पे जाना है, डायरेक्टली वहीं से आपने देख लेने हैं, ठीक है। टैक्सेशन इन इंडिया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो इनको सब्ज्यूम किया है जीएसटी में, तो वो उस तरीके से पढ़ लेना है। इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन की डेफिनेशंस टाइप्स आती है इन्फ्लेशन की, ठीक है, टाइप्स में इन्फ्लेशन
टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देख लेना, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन आपने गूगल करना है, ठीक है। तो उसमें से आपने टाइप्स पढ़ लेनी है जो भी इसकी टाइप्स आती हैं, ठीक है। टॉमिक रिसर्च प्रोग्राम, तो इसका मैं लेक्चर खुद ही ला रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें कवर कर देंगे। थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो इसमें भी मैं लेक्चर ला लूंगा, खत्म कर देंगे, ठीक है। अब इसमें से भी जो आपको दिक्कत आ रही है कि इसमें से लेक्चर आपको कवर नहीं हो रहा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन कौन से लेक्चर लाने हैं, मैं वही लेक्चर आपके लिए लाऊंगा यूट्यूब पे। अब ये था ओवरऑल व्यू जो आपका एक था। होपफुली आपको लेक्चर थोड़ा सा थोड़ी गाइडलाइन मिल गई होगी किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है, और कितने जल्दी कर सकते हो आप उतना जल्दी ही करिए, और किस तरीके से कितना डेप्थ में जाना ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब ब्रिक्स की टर्म किसने दी है, तो वो तो देख लेना ना, ब्रिक्स की टर्म किसने दी हुई है, ये इसमें क्वेश्चन पूछा था, ब्रिक्स की टर्म किसने दी है, ठीक है। बाकी देख लेना बीमस्टेक का मेंबर कौन सा है, कौन कौन है। इंटरनेट रीजन ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ इनकी वेबसाइट, ब्रिक्स की वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पे देख लीजिए, ओपेक की वेबसाइट पे चले जाओ, आशियन की वेबसाइट पे चले जाओ, अर्थात की वेबसाइट पे चले जाओ, बीमस्टेक की वेबसाइट पे चले जाओ, G20 की वेबसाइट पे चले जाओ, G7 की वेबसाइट पे चले जाओ, जो उन्होंने फ्रंट लाइन में दिखा हो वेबसाइट पे, जो डायरेक्टली दिखा रहा है पहले लाइन पे, एस्टैब्लिश कौन मेंबर है बस उतना ही पढ़ना, बाकी फालतू में पूरी चीजें नहीं लिखनी है, ठीक है। WHO की वेबसाइट पे चले जाओ, सीधा लिखो हेडक्वार्टर कौन है, एस्टैब्लिश कब हुई है, कहानी खत्म। वैसे WTO का करो, वैसे करके ये एक क्वेश्चन इसमें से आना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से रीजनल में से एक दो क्वेश्चन आना है, उसी तरीके से पढ़िए ना, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्या चीजें हैं, उस तरीके से, क्योंकि ये PSC लेवल का एग्जाम नहीं, SSB के लेवल का एग्जाम है, तो उसी तरीके से देखना है, ठीक है। बाकी हमने ओवरऑल अगर देखिए, हमने तो ऑलमोस्ट हमने सब चीजें डिस्कवर डिस्कवर मतलब हो गया डिस्कस कर दिया, हमने GK भी पढ़ दिया पूरा पूरा। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आएगी, आई एम अवेलेबल टिल हेयर, अभी मैं फ्री हूँ क्योंकि UPSC का एग्जाम अभी लेट है, ठीक है। तो अभी मार्च से पहले मैं लेक्चर ला सकता हूँ, उसके बाद मैं बिजी हो जाऊंगा, ठीक है। यूपीएससी एग्जाम आएगा, प्रेशर मेरे पे भी हैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं फ्री हूँ मार्च तक, मार्च तक जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। मार्च अप्रैल, अप्रैल मई जून, एक महीना दो महीना, दो ही महीने बचे हैं। मार्च, मार्च में तो मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, मार्च अप्रैल में भी नहीं, ठीक, फेब में फ्री हूँ मैं खाली, ठीक है। तो फेब में आप कमेंट कर सकते हैं, फेब में ही सब चीजें चलेंगी, मार्च के बाद आई विल बी बिजी इन द यूपीएससी एग्जाम, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर, और जो भी आपकी डिमांड होगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, लेक्चर कैसा लगे, ठीक है, कैसा लेक्चर लगा आपको, ठीक है। डोगरी में कहा बताए कि क्या लगे तो लेक्चर साडा, ठीक है, कमेंट बॉक्स करके बताना है। बाकी ऐप डाउनलोड करनी है इसके मॉक टेस्ट फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के, ऑलरेडी ऐप पे है। कैलेंडर एक बार देख लेना आपने, कैलेंडर मतलब हो गया कि हमारा एग्जाम कैलेंडर क्या है, किस किस में सेक्शन वाइज हमने टेस्ट अपलोड कर दी है, बस बात रही है उसकी किसकी फुल लेंथ की, तो फुल लेंथ का एक बार कैलेंडर चेक कर लेना आपने कि कब कब कौन सा मॉक टेस्ट है, पांच पांच दिन छोड़ के पांच फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, वो आपने प्रैक्टिस कर लेने, उसी मॉक टेस्ट में आपको मेंटल एबिलिटी वाला भी टॉपिक मिल जाएगा। GK वाला करंट की पीडीएफ मैंने, करंट और स्टैटिक वाली पीडीएफ मैंने ऑलरेडी बता दी है। करंट के पीछे घूमना नहीं है, आपने स्टैटिक खत्म करना है, 120 में से 120 करंट थोड़ी आने हैं, चार पांच क्वेश्चन आएंगे, तो आप 120 में से 115 नंबर का सोचिए, 115 नंबर कैसे लेने, करंट के पीछे भागो हुए तो ये नंबर जो स्टैटिक पोर्शन है ना ये नहीं होंगे, सिलेक्शन जो लेते हैं वो करंट के पीछे नहीं भागते, वो भागते हैं कि स्टैटिक पोर्शन इतना सारा पूरा स्टैटिक दिया है, इसमें बताओ कौन सा करंट है। करंट में यही है कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी का RBI का रेट पूछ सकते हैं कि करंट बेसिक रेट क्या है, CRR रेट क्या है, वो उधर वेबसाइट से मिल जाएगा आपको, समझ रहे हो ना। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय माता की, जय जय हिंद।